जोधपुर में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने के विरोध में आज बंद रखा गया। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। वहीं मृतक के परिजनों ने अभी तक शव नहीं लिया है। उधर यह घटना राजनीतिक रंग भी ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले में हुई इस वारदात को लेकर राजस्थान के गृह मंत्री की कड़ी आलोचना की है। व्यापारी वासुदेव इसरानी की हत्या के विरोध में जोधपुर शहर के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद रहे। विभिन्न वाहनों पर सवार होकर युवाओं की टोलियों ने भी बंद करवाया। इसके अलावा बंद समर्थक आज सुबह सरदारपुरा स्थित जलजोग चौराहे पर एकत्र हुए। यहां सभा भी आयोजित की गई। गौरतलब है कि सरदारपुरा सी रोड पर अपनी दुकान बंद कर रहे व्यवसायी वासुदेव इसरानी की गैंगस्टर लॉरेंस के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहर में 3 माह के दौरान कई स्थानों पर इस गैंगस्टर ने अवैध वसूली के लिए फायरिंग करवाई है। इसके चलते लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। वहीं गोलियों का निशाना बने व्यवसायी वासुदेव इसरानी अपनी अलग स्टाइल के कारण पूरे जोधपुर में बप्पी लहरी के रूप में प्रसिद्ध थे। वे बॉलीवुड संगीतकार बप्पी लहरी के समान ही सोने से हमेशा लदे रहते थे। उनके शरीर पर हमेशा करीब 2 किलोग्राम सोने के जेवर रहते थे। कभी जोधपुर में सट्टा किंग के नाम से प्रसिद्ध रहा वासुदेव के गले में सोने की कई भारी भरकम चैन हमेशा नजर आती थी। वहीं उंगलियों में 2-2 अंगूठियों के अलावा हाथों में सोने के कड़े और कई तरह के ब्रेसलेट हमेशा दिखते थे। वे वर्तमान में शहर के सबसे पॉश इलाके में सरदारपुरा सी रोड पर मोबाइल शॉप चलाते थे। 3 जून को भी उनकी दुकान में घुसे गैंगस्टर ने डराने के लिए 7 फायर किए थे। हाल ही अजमेर में घुघरा घाटी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के गुर्गे हरेंद्र जाट उर्फ हीरा ने वासुदेव को धमकी दी थी। अपनी धमकी को सही साबित करते हुए हरेंद्र ने शोरूम बंद कर रहे वासुदेव पर 5 गोलियां चलाई। इनमें से 1 गोली वासुदेव को लगी जो जानलेवा साबित हुई। पिछले दिनों हुए वासुदेव पर हमले के दौरान भी वासुदेव ने पुलिस को शिकायत की और इस घटना की पूरी जानकारी को पुलिस को बताई और पूरी सुरक्षा मुहैया पुलिस द्वारा कराई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वासुदेव की हत्या हो गई। हत्या से पूर्व वासुदेव ने अपने बयान भी पुलिस को दिए और बताया था किस तरह गैंगस्टरों ने धमकियां देते हैं। उसने धमकियां भी दी है, बार अदर नंबर से, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के फोन से, मैसेज से। डरने की किसी कोई बात नहीं है, मौत तो जिस दिन लिखी है उसी दिन आनी है, उससे पहले कभी आनी नहीं है। आते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं, पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारा पूरा ध्यान रख रही है, प्रशासन पूरा ध्यान रखा है, नीचे से नीचे लेके डीजी तक ध्यान रख रहे हैं इस केस पे। उधर इस हत्या के मामले में SOG ने शूटर की तलाश में टीमें पंजाब भेजी है। कमिश्नरेट SOG पंजाब और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीमें मामले में तलाश करेंगी। हत्या करने के आरोपी शूटर हरेंद्र उर्फ हीरा जाट और काली राजस्थान छोड़कर निकल भागे हैं। SOG के ADG उमेश मिश्रा का दावा है कि जल्द ही दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि पिछली बार हुए हमले के बाद वासुदेव ने पुलिस को सुरक्षा के लिए गुहार की थी। परिजनों का आरोप है कि कई बार धमकी मिलने की उन्होंने शिकायत की, लेकिन उसे टाला जाता रहा। वहीं व्यापारी को जो सुरक्षा गार्ड मिला था वह भी घटना के वक्त उनके साथ मौजूद नहीं था। इसमें जो परसों वाली घटना घटित हुई है उसमें आइडेंटिफिकेशन हो गया है, और अब मेन जो चैलेंज है वो पकड़ने का है, और उसमें हमें पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन सब का सहयोग लेना होगा, सबसे समन्वय रख के काम करना होगा। और हमारी टीमें सक्रिय हो गई हैं और पंजाब की तरफ हमारी कुछ लोग प्रस्थान भी कर गए हैं, और अभी और हम लोग रणनीति अपना रहे हैं, कैसे क्या टीमें कहाँ कहाँ भेजनी है। अब वो निटी ग्रिटी का हम लोग खुलासा नहीं करना चाहेंगे, एक एक चीज़ का डिटेल्स का, बट वी आर द जॉब। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जोधपुर गहलोत का गृह जिला है। उन्होंने सोशल मीडिया में कमेंट किया है कि सरदारपुरा थाने से कुछ ही दूरी पर व्यवसायी पर गोली चली और गृह मंत्री जोधपुर में ही थे। इसके बाद भी वे पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए।
वहीं यह घटना बताती है कि शहर और प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है। गहलोत ने जोधपुर मामले की जांच एसओजी से करवाने में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब जोधपुर में पहली बार फायरिंग की घटना हुई थी उस समय ही जांच एसओजी को दे दी जाती तो आज यह स्थिति नहीं आती। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम वसुंधरा राजे पर जोधपुर के साथ सौतेले बर्ताव का भी आरोप लगाया। उधर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के अनुसार प्रकरण की जांच के लिए एसओजी के अधिकारियों को लगाया गया है। अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ऐसी वारदातें काफी तादाद में हुई, अब गहलोत को इसलिए ज्यादा दुख हुआ क्योंकि वे विपक्ष में हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके उमेश मिश्रा और दिनेश जो एसओजी को हैं उनको भेज दिया और सौभाग्य से उनका पता भी लग गया वो कौन सी गैंग है। अब उनको गिरफ्तार करना बाकी है तो हमारी टीम जो है वो उनको ढूंढ रही है, बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये बात सच है कि वहाँ लगातार एक के बाद एक के बाद एक घटना हो रही है। हम इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था आज फिर बैठेंगे, विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है ताकि इस पर कंट्रोल। जोधपुर में गैंगस्टर लॉरेंस का आतंक काफी समय से है और इसके शूटर यहां कई जगह फायरिंग कर चुके हैं। इसके चलते व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल है और वासुदेव की हत्या के बाद तो यह दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई है।